जो बॉडी कंस्ट्रक्शन, बॉडी कंस्ट्रक्शन दैट मीन्स व्हीकल बॉडी कंस्ट्रक्शन बोलिए या कार बॉडी कंस्ट्रक्शन बोलिए, इसमें आपको बताएंगे एवरी व्हीकल कंसिस्ट टू मेन कंपोनेंट, प्रत्येक व्हीकल जो है वह दो मेन कंपोनेंट रखता है, वन ऑफ इट्स चेसिस एंड सेकेंड वन इज बॉडी। पहला जो होता है इसमें वह चेसिस होता है और दूसरा बॉडी होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए किसी भी व्हीकल का चेसिस क्या होता है और बॉडी क्या होता है। यह एक व्हीकल्स है, कार का है, और यह कार को हम दो अलग अलग पार्ट में आपको बांध करके दिखाए हैं। एक पार्ट जो बेसिक आप ग्राउंड पर देख रहे हैं जिसमें व्हील्स लगा हुआ है, और एक अनदर पार्ट है जो ऊपर यह पार्ट दिख रहा है जो जनरली शीट मेटल वर्क का है। ये पार्ट जो है जनरली शीट मेटल वर्क का है और इसको हम लोग बॉडी कहते हैं, यह कार का बॉडी होता है। अनदर पार्ट एक लोअर पार्ट है, अनदर एक लोअर पार्ट है जिसको आप देख सकते हो, ये पार्ट, ये पार्ट को हम लोग चेसिस कहते हैं। तो अब आपको किसी भी व्हीकल्स में यह क्लियर बता सकते हो जो उसका बॉडी क्या होता है और चेसिस क्या होता है। तो किसी भी व्हीकल का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है चेसिस, एक होता है बॉडी। अब हम उसमें वाड़ी वाड़ी से स्टडी करेंगे। पहले स्टडी करते हैं चेसिस का, पहले स्टडी करेंगे हम लोग चेसिस का। चेसिस क्या होता है सो देखिए, कार चेसिस, देखिए कार चेसिस जो होता है, कार चेसिस फ्रेम इज बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ ऑटोमोबाइल। यह एक ऑटोमोबाइल का बेसिक फ्रेमवर्क है। इट सपोर्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल अटैच्ड टू इट। इट मेड अप ड्रॉप फॉर्जिंग स्टील, इसको हम लोग ड्रॉप फॉर्जिंग स्टील से बनाते हैं। ऑल द पार्ट्स रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल अटैच इट ओनली, जो भी ऑटोमोबाइल से पार्ट रिलेटेड होता है सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वह चेसिस पे ही असेंबल होते हैं। जैसे वो कौन से पार्ट होते हैं, तो पावर सप्लाई, ऑटोमोबाइल में पावर सप्लाई होता है इंजन से, इंजन होगा चेसिस पे। ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन होता है सिस्टम, दैट मींस पावर एक साफ से दूसरे साफ पे कैसे जाता है, वह सारे कंपोनेंट आप इसी से देखते हो। अनदर देखते हैं स्टेयरिंग, स्टेयरिंग मतलब होता है जो हम लोग क्या कहते हैं हैंडल, स्टेयरिंग जो होता है वह चेसिस में लगा हुआ था। सस्पेंशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम जो हुआ चाहे सॉकर हो या लिप, क्या देखते हैं, हाँ तो आपको हम बताए थे जो चेसिस में जो है वह इंजन, ट्रांसमिशन, स्टेयरिंग, सस्पेंशन। सस्पेंशन याद रखिएगा, सस्पेंशन मतलब होता है सॉकर या लीफ ब्रेक। आपको हम बताए थे कार के टाइप में जो सॉकर क्या होता है, लीफ ब्रेक क्या होता है, बताए हुए थे। ब्रेकिंग सिस्टम ये सब होता है, कभी कभी आप देखिएगा रोड पे एनएच पे जो एक ट्रक है उस ट्रक के ऊपर दूसरा व्हीकल जा रहा है, उस व्हीकल में बॉडी नहीं होता है, सिर्फ ड्राइवर स्टेयरिंग पकड़ के नया व्हीकल होता है उसको लेते जा रहा है, दैट मीन्स सिर्फ वह चेसिस होता है। देखिए ऐसा रहता है, दिस इज द चेसिस, यह जो है यह चेसिस है, और इसी चेसिस के ऊपर देखिए इंजन भी है, यह पार्ट इंजन है, यह स्टीयरिंग है, यहाँ पर लीफ ब्रेक लगा हुआ है, दैट मीन लीफ। जो भी सिस्टम है वह सारे सिस्टम किसी भी कार या व्हीकल का एक चेसिस पे ही असेंबल होता है, ठीक है, क्लियर। देखते हैं ले आउट ऑफ चेसिस एंड इट्स मेन कंपोनेंट। ऑब्वियसली मेन कंपोनेंट के बारे में हम आप लोग डिस्कशन भी कर चुके हैं, चेसिस फ्रेम Which means the complete automobile without body. Chassis frame देखिए क्या होता है, complete automobile है यह बिना body का, इसमें body नहीं है लेकिन total complete automobile है, आप इसको चला सकते हैं, इसलिए chassis जो होता है वह complete automobile without body and it include all the system like power plant यानी power engine, transmission, steering, suspension, wheel tire, auto electric system. Without body, आप यहां भी देख सकते हो और उसका हम स्पष्ट नाम लिख दिए हैं। तो जब भी आप चेसिस का ये फिगर जरूर बनाओ
अपन खुद से एक नोट्स तैयार करो और उसमें यह फिगर जरूर बनाओ, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है जो चेचिस क्या है या बॉडी क्या है, तो आप वहां इसको लिख सकते हो। यह एक चेचिस है, इस पे कोई बॉडी नहीं है, यहाँ एक इंजन लगा हुआ है, इसमें क्लच है, गियर बॉक्स है, स्टेयरिंग है, ठीक है, और रेडिएटर भी दिखा रहा है इसमें, और साइड मेंबर बता रहा है, और ये आगे का बम्पर हो गया, ये रियर बम्पर हो जाता है, यहाँ पर फ्यूल टैंक हो जाता है, पेट्रोल का टैंक यहीं पे रहता है इसमें, किसी भी व्हीकल में देखिएगा पीछे व्हीलर रियर में रहता है पेट्रोल टैंक। तो दी जाता चेचिस। नेक्स्ट वन, द फंक्शन ऑफ चेचिस फ्रेम, चेचिस फ्रेम का फंक्शन क्या है? तो फर्स्ट है टू कैरी ऑल द स्टेशनरी लोड अटैच टू एंड लोड पैसेंजर कैरी आउट इट, यानी जो भी स्टेशनरी लोड है वह सारे, चाहे व्हीकल का लोड हो या जो पैसेंजर उस पे कैरी किया जाता है उसका लोड हो, या कोई सामान उस पे कैरी किया जाता है उसका लोड हो, टोटल का लोड जो है वह गाड़ी के चेसिस पे ही होता है। नेक्स्ट वन, टू विथस्टैंड टॉर्शनल वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन होता है गाड़ी का वह भी जो रेसिस्ट करता है चेसिस ही। टू विथस्टैंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉज्ड बाय कंसर्न ऑफ द व्हीकल, जो सेंट्रीफ्यूगल इंजन जो चलता है उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगते हैं वह भी चेसिस ही लोड बेयरिंग करता है। टू कंट्रोल द वाइब्रेशन कॉज्ड बाय द रनिंग ऑफ द व्हीकल, व्हीकल जो रन करता है और उसका जो वाइब्रेशन होता है वह देखिएगा चेसिस पे ही होता है, ज्यादा वाइब्रेशन। आपको यदि पता करना हो तो यदि आप किसी बस में ट्रेवल करते हैं तो जो उसके व्हील का सीट होता है उस सीट पे जाकर के आप बैठिए तो देखिएगा, आप नीचे जो फ्लोर पे पैर रखते हैं तो डायरेक्ट चेसिस से कनेक्टेड होता है और वहां ज्यादा ही वाइब्रेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, टू स्टैंड जो भी स्ट्रेस होता है वह सारे के सारे स्ट्रेस चेसिस ही बेयरिंग करता है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ चेचिस। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ चेचिस फ्रेम। देखिए चेचिस का जो फ्रेम होता है, ध्यान से सुनिएगा, चेचिस का जो फ्रेम होता है वह तीन तरह का होता है। चेचिस का जो फ्रेम होता है वह तीन तरह का, फर्स्ट चैनल सेक्शन, बॉक्स सेक्शन, ट्यूबलर सेक्शन। चैनल सेक्शन इज यूज्ड टू लॉन्ग मेंबर ऑफ द फ्रेम, जो लॉन्ग मेंबर ऑफ होता है उसका चेसिस जो है वह चैनल सेक्शन होता है। जैसे किसी ट्रक को लीजिए, या ट्रक को लेने के साथ नहीं तो आप इसको देखिए, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का जो ढाला होता है उसके नीचे देखिएगा एक चेसिस फ्रेम बना हुआ रहता है, और उस फ्रेम का जो शेप होता है वह शेप इस प्रकार का होता है, उसका सेक्शनल व्यू देखिए। इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं चैनल सेक्शन, इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं चैनल सेक्शन। तो चैनल सेक्शन को मोड़ करके यदि फ्रेम बनाया गया है तो वह जो होगा वह कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेम चैनल सेक्शन कहलाएगा। इसका जो यूज होता है वह लॉन्ग सेक्शन में, जो लंबा लंबा ट्रक होता है या बस होता है इस सब में इसका यूज होता है। अब हम देखते हैं बॉक्स सेक्शन। तो बॉक्स सेक्शन आप आराम से देख सकते हैं जैसे पाइप के थ्रू होता है, लेकिन रेक्टेंगुलर होगा, उसको कहेंगे बॉक्स सेक्शन। तो बॉक्स सेक्शन का जो चेसिस होता है वो जनरली कार सब में देखिएगा, कार, बुलोरो, स्कॉर्पियो, इस सब में जो होता है वो बॉक्स सेक्शन होता है। इसके बाद ट्यूबलर सेक्शन, आप कभी भी बाइक पे देखते हैं, बाइक का खुला हुआ पार्ट देखिए, जब बाइक पे इंजन नहीं हो, बाइक में सीट नहीं हो, और तब देखिए जो बाइक में कुछ इस तरह का कंपोनेंट निकला हुआ रहता है, यहाँ स्टीयरिंग रहता है और यहाँ से एक व्हील ऐसे करके अटैच होते हैं और इस पर इंजन लगा हुआ रहता है। तो ये सारे जो कंपोनेंट देखिएगा सभी एक पाइप की तरह होता है। जैसे आप ऑटो रिक्शा, ऑटो में बैठिए, जो ऑटो में बैठिएगा तो उसका हर एक थ्री व्हीलर उसमें, या देखिएगा जो भी चेचिस का पार्ट है हर एक एक पाइप का बना हुआ रहता है, तो उसको ट्यूबुलर सेक्शन कहते हैं। तो चेचिस का तीन तरह से बना हुआ होता है, चैनल सेक्शन, बॉक्स सेक्शन और
ट्यूबुलर सेक्शन। चैनल सेक्शन इज यूज फॉर लॉन्ग मेंबर ऑफ द फ्रेम, बॉक्स सेक्शन इज शॉर्ट मेंबर ऑफ द फ्रेम, और ट्यूबुलर सेक्शन इज यूज फॉर थ्री व्हीलर, स्कूटी, मोटरोड, पिकअप आदि में जो है वह ट्यूबुलर सेक्शन का यूज होता है। नेक्स्ट, जैसे आप यहां देख सकते हो, एक्चुअली आप यहां पे देख सकते हो, यह जो चैचिस है यह किसी स्कॉर्पियो का है या जीप सबका है। इसका ये सेक्शन आप स्पष्ट देख सकते हैं जो यह एक बॉक्स सेक्शन है। यह सेक्शन क्या है? एक बॉक्स सेक्शन है, ठीक है। इसके बाद अब बॉडी की बात करते हैं। चेसिस का हम टोटल पार्ट पढ़ लिए हैं, अब बॉडी की बात करते हैं। द ऑटोमोबाइल बॉडी आर डिजाइन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द व्हीकल्स। व्हीकल के रिक्वायरमेंट के आधार पे ही ऑटोमोबाइल के बॉडी का डिजाइन किया जाता है। जिस तरह का आपका रिक्वायरमेंट है उस तरह के बॉडी को डिजाइन कर लिया जाता है। कभी कभी देखिएगा, आप किसी गैरेज सब में जाइए, जब ओल्ड बॉस सिस्टम सब में जाइए देखिएगा, तो क्या होता है, जो ओल्ड व्हीकल्स होते हैं, कोई दूसरा व्हीकल है और उसको डिजाइन करके वो दूसरा व्हीकल बना लेता है। तो बॉडी आप किसी भी तरह का बना सकते हैं, लेकिन उसका चेसिस एक ही रहेगा। तो बॉडी का डिजाइन जो होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द व्हीकल्स। अब देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑटोमोबाइल बॉडी आर क्लासिफाइड मेनली इंटू डिफरेंट टाइप्स, नेम प्राइवेट व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल, फ्लीट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, एम्बुलेंस व्हीकल्स, जो भी होता है। आर्मी का व्हीकल्स का बॉडी अलग होता है, प्राइवेट व्हीकल का बॉडी अलग होता है, कमर्शियल व्हीकल का बॉडी अलग होता है, इसके बाद एम्बुलेंस का व्हीकल जो है अलग होता है, फ्यूल टैंक जो टैंकर सब होता है जिसमें फ्यूल सप्लाई किया जाता है उसका बॉडी अलग प्रकार का होता है। तो हर एक तरह के बॉडी को डिजाइन रिक्वायरमेंट के आधार पे होता है, ठीक है। एक फ्रीजिंग बॉक्स होता है, जब देखिएगा आप, एक बड़ा सा कंटेनर पूरा बंद रहता है, वो रेफ्रिजरेटेड रहता है, वो अलग तरह का बॉडी है, ठीक है। मिल्क वैन के लिए, दूध ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यहाँ से वहां ले जाने के लिए अलग टाइप के बॉडी की आवश्यकता होती है। ये सब बॉडी के टाइप्स है, लेकिन उसका चेसिस में कोई परिवर्तन नहीं होता, चेसिस जैसा है वैसे ही रहेगा। अब देखते हैं नॉमिनलेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। सिंपल आपको दिखाते हैं, एक कार बॉडी, जो यह विंडो होता है, डोर होता है, अब इसमें दिखाना क्या है, पेट्रोल टैंक यहाँ होता है, बूट, बूट मतलब होता है डिक्की, डिक्की पीछे होता है, लाइट ब्रेक हो गया, हेडलाइट हो गया, व्हील हो गया, एक्चुअली व्हील जो है बॉडी में नहीं आता है, फिर भी यहाँ दर्शा दिया गया है, इसको आपको नहीं दिखाना है। फिर आगे से देखते हैं, यह रूफ होता है, रियर व्यू मिरर होता है, पीछे देखने के लिए एक आईना लगा हुआ रहता है बीच में, और इसको बोनेट बोलते हैं। आगे जो कार का पार्ट होता है जिसको उठा करके कभी उसमें रेडी वाटर से में पानी लगा हुआ रहता है या बैटरी को असेंबल करता है, उसको बोनेट बोलते हैं। तो ये सब आपको देखना है, पीछे नंबर प्लेट होता है या आगे भी नंबर प्लेट होता है, आगे बम्पर होता है, साइड बम्प, पीछे रियर बम्पर होता है, तो ये सब बॉडी के पार्ट्स हुए। आप लोग सिंपल एक कार को देख सकते हो। Again, types of car body. The car body types is a board subjected to deals with the name given also vary country to country. Car के जो body का जो name है वह vary करता है, लेकिन according to Indians हम आपको इंडिया में क्या चलता है car का body उसके प्रकार के बारे में बताएंगे। पहला होता है body का type hatchback, जिसको hatchback model भी कहते हैं। दूसरा सेडन, तीसरा एमयूवी और एसयूवी, चौथा कॉपे, इसके बाद कन्वर्टेबल, वैगन, वैन, जीप। ये आठ प्रकार के कार के, फोर व्हीलर के बॉडी का टाइप होता है। जितने भी कंपनी बनाती है इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग करती है कार, वह इसी में से एक बॉडी का प्रकार होता है। अब हम अलग अलग सारे बॉडी के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम देखते हैं हैचबैक। हैचबैक, हैचबैक जो होता है द स्मॉल कार विथ फोर डोर ए बूट, या जिसको हम डिक्की बोलते हैं। डोर आर क्लासिफाइड अंडर हैचबैक्स,
जनरली दीज आर डेजिग्नेटेड फॉर कंफर्ट सीटिंग ऑफ फोर पैसेंजर। देखिए, एक छोटा सा कार जिसमें चार दरवाजे हो, एक छोटा सा डिक्की हो और वह चार आदमी के लिए ही कंफर्ट हो, यानी दो पीछे और दो आगे, उसको हम लोग हैचबैक मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अंतर्गत कौन कौन से गाड़ी आते हैं? मारुति सुजुकी 800, अल्टो, हुंडे i10, i20, फ्लैट ग्रैंड, टाटा इंडिका, टाटा विस्टा एंड सो ऑन। यह सब गाड़ी जो देखिएगा तो बहुत ही छोटा गाड़ी होता है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें चार दरवाजे होते हैं, बूटिंग स्पेस यानी डिक्की बहुत छोटा होता है और यह चार आदमी के लिए ही कंफर्ट होता है। तो इस टाइप के मॉडल को हैचबैक मॉडल कहते हैं और यह हर एक कंपनी बनाती है, चाहे हुंडई हो, टाटा हो या सुजुकी हो, जो भी है, फोर्ड हो, सारी कंपनी बनाते हैं यह हैचबैक मॉडल। नेक्स्ट, सेडन। सेडन मॉडल क्या होता है? तो सेडन मॉडल जो होता है वह 5 पैसेंजर के लिए डिजाइन किया जाता है। यह एक लंबा कार होता है। सेडन आर डिजाइन फॉर कंफर्ट सीटिंग ऑफ 5 पैसेंजर। सेडन कम विथ लार्ज ट्रंक साइज। इसका जो आगे का साइज होता है, बोनेट जिसको बोलते हैं, वह लंबा होता है। आगे का जो साइज होता है जिसको हम बोनेट बोलते हैं, वह लंबा होता है। और यह जो इसका डिक्की जो होता है वह भी पीछे बहुत बड़ा होता है, जो लगेज जो है वह ज्यादा कैरी करता है। इसमें कौन कौन से कार आते हैं? इसमें इंडिका ESE, इंडिका माजे, स्विफ्ट डिजायर, महिंद्रा वेडिटो, फोर्ड विस्टा, हुंडे। हेलो, तो ये रिनॉल्ट का गाड़ी आता है, हुंडा अमाजे, हुंडा सिटी, ये सब गाड़ी जो है सडन मॉडल में आता है, आप इसको देख सकते हैं। स्विफ्ट डिजायर जो गाड़ी देखिएगा, उसका आगे का साइड यानी ये बोनेट का साइज भी लंबा होता है और पीछे बूटिंग साइज भी ज्यादा लंबा होता है। और इसमें 5 पैसेंजर आराम से बैठ सकता है कंफर्ट कंडीशन में, दैट मीन 3 पैसेंजर पीछे और 2 पैसेंजर आगे विथ ड्राइवर। तो इसको हम लोग सडन मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट, MUV और SUV मॉडल। तो ये जो है MUV मॉडल और SUV मॉडल जो है वह 7, 8, 9, 10 पैसेंजर के लिए यूज किया जाता है। इसमें इतने पैसेंजर बैठ सकते हैं। जिसमें गाड़ी जो आएगा इसके अंदर, महिंद्रा ब्लोरो, एक्सलो, टाटा सुमो, फोर्स ट्रैक्स, टोयोटा इनोवा, ये सब गाड़ी जो है MUV और SUV मॉडल में आते हैं। टाटा सफारी, ये सब गाड़ी MUV SUV मॉडल में आते हैं, आप देख सकते हैं। और आपके आसपास में भी ये सारे गाड़ी का मॉडल उपलब्ध है, आप इसको जान सकते हैं। तो यह कौन मॉडल है? तो MUV SUV होता है और इसका अलग अलग ब्रांड होता है, चाहे बुलोरो हो या स्कॉर्पियो हो या ये टाटा सुमो हो। इसके बाद महिंद्रा का XUV 500 आता है, टाटा सफारी आता है। तो ये सब गाड़ी जो है MUV, इसमें जो है 7-8 पैसेंजर आराम से बैठता है कंफर्ट कंडीशन में, क्योंकि इसके बूटिंग में भी 4 पैसेंजर का सीट होता है। नेक्स्ट वन, कोपे। कोपे जो है यह लग्जरी कार होता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पैसेंजर का ही सीट होता है और इसमें 2 ही गेट होता है। याद रखिएगा, कोपे में 2 ही गेट होते हैं और यह बहुत ही लग्जरी कार होता है, बहुत ही कंफर्ट कार होता है और इसमें 2 ही दरवाजा होता है, 4 दरवाजा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट वन, कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल जो कार्स होते हैं यह भी लग्जरी कार होते हैं, लेकिन इसके ऊपर में बॉडी ओपन होता है, बॉडी तो होता है लेकिन इसमें रूफ नहीं होता है, छत नहीं होता है, खुला हुआ रहता है, यह भी लग्जरी कार होता है। इसके बाद वैगन। वैगन भी जो जनरली मारुति सुजुकी बनाता है इसका वैगन आर, लेकिन यह और भी कंपनी में उपलब्ध होता है। इसमें हैचबैक और सेडन का दोनों का मॉडल का उपयोग किया गया है। हैचबैक में क्या होता था? हैचबैक में बूटिंग स्पेस बहुत कम होता था और कंफर्ट सिर्फ 4 आदमी के लिए होता था। सेडन में है बूटिंग स्पेस ज्यादा होता था, कंफर्ट जो है वह 5 आदमी के लिए होता था। दोनों को मिला करके क्या किया गया है, इसमें कंफर्ट भी दिया गया है और बूटिंग भी दिया गया है, इसको हम लोग वैगन बोलते हैं।
इसका जो है मारुति सुजुकी बनाता है, वैगन आर, महिंद्रा क्वाटा, टाटा इंडिगो, मेडेना, ओल्ड मॉडल्स और टाटा इस्टा, ये सब मॉडल जो आएंगे वो वैगन मॉडल में आएगा। आप देख सकते हैं यह वैगन का मॉडल है, इसी टाइप का वैगन का मॉडल होता है, ठीक है। इसका बूटिंग स्पेस भी बहुत ज्यादा होता है, आपको लगेगा कि नहीं पीछे डिक्की में कोई बैठ सकता है, लेकिन एक्चुअली नहीं बैठ नहीं सकता, वो बूटिंग स्पेस उसका ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन वैन, तो वैन तो आप देखते हैं ओमनी सुजुकी जो होता है बनाता है, जनरली स्कूल सब के लिए यूज होता है या पैसेंजर के लिए कमर्शियल पर्पज से यूज होता है, ये वैन का मॉडल है। और जीप, जीप जो है वह महिंद्रा का थार मॉडल आता है, यह पहले पुलिस सब यूज करता था और अभी भी यूज करता है, महिंद्रा का थार मॉडल है यह। नेक्स्ट वन इंट्रोडक्शन ऑफ एरोडायनामिक्स बॉडी शेप, बॉडी का जो कार के जो बॉडी का जो शेप होता है वह एरोडायनामिक होना चाहिए। एरोडायनामिक मतलब क्या होता है, उसका शेप इस तरह होना चाहिए जो वह व्हीकल के वॉइस को, एयर वॉइस को और नॉइज इमिशन को बहुत ही कम सब कर सके, और उसको जो है ऊपर से लोडिंग जो एयर का ड्रैग फोर्स होगा वह नीचे की ओर होगा, ताकि उसका क्या होगा ट्रैक्शन जो रोड के साथ ग्रिप जो होगा वह ज्यादा होगा, ट्रैक्शन उसका ज्यादा होगा। देख सकते हैं इसको इस टाइप का जो ये ड्रैगिंग होता है, अगर इसका अगर एरोडायनामिक शेप नहीं रहेगा तो ये जो फोर्स लगेगा तो व्हीकल को क्या करेगा, लिफ्ट कर देगा। लेकिन हम लोग को इस तरह इसको डिजाइन किया जाता है, यह व्हीकल को लिफ्ट नहीं करके व्हीकल को क्या करे नीचे की ओर दबा करके रखे, ताकि क्या होगा रोड के साथ इसका ट्रैक्शन अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं एरोडायनामिक शेप का यह एक कार का मॉडल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस यूनिट में बस इतना ही पढ़ना था।